सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। आज का पंचांग 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 2:26 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:34 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 7:58 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार, अभी आप अपने विश्वासों को जांचने और धर्म कर्म की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। सलाहकार या शिक्षक के साथ ये विचार विमर्श करें जो आपको अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। यह सौभाग्य भरे पल हैं। आपको मिले नए अवसरों का आनंद लें। आज आपका ध्यान घर और परिवार पर ही केंद्रित रहेगा। यह समय बातचीत, मृदुता और देखभाल का है। आप लोगों को अपनी रचनात्मक स्वभाव से प्रभावित करना चाहेंगी। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत कीजिए जिसने आपसे झूठ बोला हो, और किसी ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिए जो आप पर विश्वास करता हो। किसी विपरीत परिस्थिति में अचानक ही आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। घर में संबंधियों की आवाजाही रहेगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छोड़कर बेझिझक होकर काम करने की आवश्यकता होगी। जिन भी बातों के कारण नुकसान हुआ है, ऐसी बातों के प्रति आपको जागरूकता महसूस हो रही है और दोबारा आप वह गलती नहीं करेंगे। इस बात पर विश्वास बनाए रखें और अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य को करने की कोशिश करें। फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने परिचय के व्यक्ति द्वारा बड़ा काम प्राप्त होगा, लेकिन इस बात में निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। पार्टनर से एक दूसरे की गलतियों को माफ करके रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ सकता है जिसके कारण अधिक कमजोरी महसूस होगी। सावधानियां, इनकम टैक्स अथवा लोन से संबंधित कोई झंझट आ सकता है। इन गतिविधियों को तुरंत निपटाने का प्रयास करें। अपने खास वस्तुओं का देखभाल खुद ही करें। होने या चोरी होने की स्थिति बन रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों तथा जीवन साथी को उचित सहयोग बना रहेगा और आप आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं और दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। आग बंद करके आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। दुर्घटना या कोई हानि आपको परेशान करेगी। आज के दिन आपको अपने चाहने वालों के साथ बातचीत करने और उनके स्नेह को पाने का मौका मिलेगा। इससे आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां और कार्यभार कम हो सकती है। आज आप अपने कुर रवैये और प्यार भरी बातों से अपने साथी को प्रभावित करने में सफल रहेंगी। बस उनकी तारीफ करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आज आपका ध्यान अपने भाग्य और सुनहरे छड़ों का आनंद लेने में है।
जिनमें कानूनी मामले बाधा डाल सकते हैं। किसी विशेष कार्य या प्रोजेक्ट के लिए लंबी दूरी की यात्रा का भी योग है। जीवन में सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और नैतिकता को सही मात्रा में प्रयोग करें। अपने बिजनेस के लिए आप सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपने नए ग्राहक नीतियां भी विकसित की हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से बचें, क्योंकि इसके लिए आपके अधिक समय और धन की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी और खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है। उमस भरी गर्मी से अपना बचाव रखें। शरीर में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।